राइट right? हम समझेंगे कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है हमने कम्युनिकेशन क्या होता है समझ लिया ठीक है हमने सिंपल वर्ड में अगर बोले तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज मैसेज फीलिंग्स इमोशंस विथ ईच अदर या बिटवीन टू और थर्ड बिटवीन टू और थ्री पर्सन वैन देर इज एक्सचेंज ऑफ सच थिंग इट कैन बी डिफाइंड एज अ कॉम्युनिकेशन नेक्स्ट टर्मोलॉजी जो यहां पे एड हो गई है वो है इफेक्टिव मतलब कि कॉम्युनिकेशन इफेक्टिव कब होता है इफेक्टिव मतलब क्या होता है कहते नहीं ये दवा बहुत ही इफेक्टिव है मतलब कि वर्क कर रही है या उसके रिजल्ट है या हम कह सकते हैं वो प्रभावशाली है हिंदी टर्मोलॉजी में तो एक कम्युनिकेशन कब आपका छा होगा इफेक्टिव होगा या मतलब कि एक ऐसा कम्युनिकेशन होगा जिसका जो रिजल्ट है वो वही मिले जो हम चाहते थे लाइक like, एक कम्युनिकेशन में मेन मोटिव क्या होता है हमारा कि हम जो मैसेज चाहते हैं वो एज इट इज सामने वाले को रिसीव हो जाए या फिर वो उसी तरीके से उस मैसेज को अंडरस्टैंड कर ले जिस तरीके से हम चाहते थे तो अगर वो चीज वैसे ही हो जाती है तो हम क्या कहेंगे कॉम्युनिकेशन इफेक्टिव है राइट right? तो मीनिंग अगर हम समझे इफेक्टिव कॉम्युनिकेशन की तो एक इफेक्टिव कॉम्युनिकेशन इज द क्लियर टाइमली एक्यूरेट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन आइडियाज थॉट फीलिंग्स बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप्स कॉम्यूनिकेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ आइडियाज इन्फॉर्मेशन फीलिंग्स थॉट बिटवीन ग्रुप्स और इंडिविजुअल होता है लेकिन अगर वही एक्सचेंज ऑफ आइडियाज क्लियर हो मतलब सामने वाले को समझ में आ जाए मतलब ऐसा हो कि उसमें कोई आ, ऐसा चीज ना हो जिससे उसको मिस इंटरप्रिटेशन हो जाए या वो ना समझ पाए या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए क्लियर होना चाहिए सटीक होना चाहिए टाइमली होना चाहिए मतलब कि जिस टाइम पे वो इन्फॉर्मेशन हमें कन्वे करनी थी वो उस टाइम पे ही इन्फॉर्मेशन कन्वे हो और एक्यूरेट हो रिलायबल हो ठीक है तो वो क्या होगा इफेक्टिव होगा इट इज क्रूशियल स्किल इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल सोशल इंटरेक्शन एंड प्ले अ की रोल इन बिल्डिंग रिलेशनशिप रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्टिंग एंड मेकिंग इनफॉर्म डिसीजन एंड अचीविंग वेरियस भाई जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस तरीके की कम्युनिकेशन के लिए आपको स्किल आनी चाहिए ठीक है और अगर आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव है इसका मतलब आपके पास एक ऐसी स्किल है जो आपको अपने पर्सनल लाइफ में ट्रैक करने में सोशल लाइफ में ट्रैक करने में हेल्प करेगा इतना ही नहीं आप जब अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे तो आपकी रिलेशनशिप बिल्ड होंगे अगर कोई लड़ाई झगड़ा है तो वो आप रिजोल्व कर पाओगे बात करके और अगर कोई डिसीजन लेने होंगे तो वो भी आप सोच समझ के ले पाओगे कॉम्युनिकेट करके ले पाओगे बेसिकली अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे नेक्स्ट जो आता है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपकी कॉम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाती है अब क्वेश्चन आएगा कि मैं कॉम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बनाऊ पहला है क्लियरिटी होनी चाहिए आप क्लियर और कंसाइस लैंग्वेज यूज करें मतलब जो भी बात आप कह रहे हैं वो साफ साफ शब्दों में कहिए उसको कॉम्प्लेक्स मत बनाइए ठीक है उसमें ऐसे शब्द मत यूज कर डाली कि भाई सामने वाला समझ ही ना पाए कि आपने ये वर्ड क्या बोला उसको मीनिंग ही नहीं आ रही है कंसाइज लैंग्वेज होनी चाहिए मतलब कहानी नहीं बनानी है आपको आपको शॉर्ट शब्दों में अपना जो मैसेज है वो एग्जैक्टली exactly कन्वे कर देना है तो आपको जॉर्गन जॉर्गन मतलब क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं उनको अवॉइड करना है ठीक है ऐसे फ्रेजेस अवॉइड करने जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स से सामने वाला ना समझ पाए आपका मैसेज बेसिकली समझने में आसान हो ठीक है तो पहला हो जाएगा क्लैरिटी नेक्स्ट आता है एक्टिव लिस्टिंग क्टिव लिस्निंग लिस्निंग क्या होता है सुनना क्या है? सुनना तो चलो हियरिंग हो जाएगा लिस्निंग मतलब कि वो चीज सुनना उसी तरीके से जो चीज आपको कही जा रही है बता उसको बेसिकली करने के से जब आप कोई चीज सुनते हो वो लिसनिंग है एक्टिव क्या है बिल्कुल एक्टिव हो टेंशन दे रहे हो सुनते समय तो एक कम्युनिकेशन तब इफेक्टिव होगा जब आप पहले समझ तो लो कि सामने वाला क्या क्या रहा है उसके मैसेज को पहले अंडरस्टैंड कर लो उसके इमोशंस को उसके इंटेंशन को समझ लो कि भाई सामने वाला जो चीज कह रहा है वो किस इंटेंशन से कह रहा है उसके 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 पीछे क्या बात छुपी है पहले उसको समझ लो बाद बाद अपने अपने क्वेश्चंस रखो फीडबैक उसके बाद अपने ज्ञान दो ठीक है तो सबसे पहले तो आपको सुनना होगा बहुत लोग क्या करते सुनते नहीं है बस बता देते हैं रिप्लाई दे देते हैं तो आपको वो नहीं करना आपको पहले समझना है सामने वाला क्या कह रहा है देन आप रिएक्ट करो ठीक है तो ही आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा क्योंकि भाई कम्युनिकेशन इफेक्टिव तब है जब आप सामने वाले को समझ के जवाब दे पाओ तो नेक्स्ट है एम्पैथी होनी चाहिए मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव एंड फीलिंग ऑफ अदर पर्सन भाई जो सामने वाला बोल रहा है उसकी पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करो उसके नज़रिए को समझने की कोशिश करो उसके पीछे जो फीलिंग्स है उसको समझने की कोशिश करो दूसरे वाले को अगर आप कम्युनिकेशन में अगर अच्छा बनाना चाहते हो तो दूसरे वाले को सुनते समय अपनी जगह उसकी जगह अपने आप को रखो पहले ताकि आप समझ पाओ कि वो किस तरीके से या किस सेंस से बोल रहा है कॉम्युनिकेशन इम्पैथेटिक कॉम्युनिकेशन शोज डैट यू केयर अबाउट द अदर पर्सन वेल एंड कैन हेल्प दट बिल्ड ट्रस्ट एंड अपॉर्ट मतलब कि सामने वाले से अगर आप एम्पथी रखते हो तो आपका रिलेशनशिप भी अच्छा होगा कम्युनिकेशन अच्छा होगा तभी जब आपके बीच में ट्रस्ट होगा आप लोग दूसरे से बातचीत करते समय एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो तभी आप एक दूसरे की बातें सुन रहे होगी समझ रहे होगी तो एम्पथी होनी चाहिए नेक्स्ट इज नॉन वर्बल कॉम्युनिकेशन बी अवेयर ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन को अच्छा बनाना है आपको तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना है आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे है ऐसा ना हो आप जो कह रहे हो खुशी की बात लेकिन आपके फेशियल एक्सप्रेशन वो सैड वाला या एंग्री वाला रिएक्शन दे रहे हैं सामने वाले को लगेगा बोल कुछ रहे हो फील कुछ और कर रहे हो तो फेशियल एक्सप्रेशन पे भाई ध्यान दो बॉडी लैंग्वेज सही होनी चाहिए जो आप कह रहे हो उसके मैच करते हुए बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए नॉन वर्बल क्यूज ऑफन कन्वे मोर इन्फॉर्मेशन देन वर्ड एनश्योर डेट नॉन वर्बल सिग्नल अलाइन विद योर वर्बल मैसेज आपको ये इन्श्योर करना है कि जो नॉन वर्बल सिग्नल्स हैं मतलब जो बॉडी लैंग्वेज है जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो आपके मैसेज से क्या कर रहे हो अलाइन कर रहे हो मतलब मैच कर रहे हो ऐसा ना हो बोल कुछ रहे हो और शो कुछ और कर रहे हो ठीक है नेक्स्ट है फीडबैक जस्ट मान लो मैंने आपको कुछ बोला आपने समझा तो आप मुझे उसके बारे में फीडबैक भी दो कि आपको क्या समझ में आए या अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे उसे क्लियरली स्पेसिफिक शब्दों में बता दो इससे क्या होगा इंप्रूवमेंट हो सकेगा चीजों में क्रिटिसिज्म uh, की गुंजाइश नहीं रहेगी मतलब आप फीडबैक बेसिकली होता है ना कुछ लोग फीडबैक देते हैं क्रिटिसाइज करने के लिए आपको गिराने के लिए फीडबैक उस मत दो अगर आपको फीडबैक देना है तो सामने वाले को ऐसे फीडबैक दो कि वो थोड़ा इंप्रूव कर पाए उन चीजों पर ना कि आप उसको क्रिटिसाइज कर दो ठीक है तो फीडबैक कम्युनिकेशन को अच्छा बनाता है भाई सामने वाला समझ जाएगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होगा जब सामने वाला समझ जाएगा कि आप वो समझ चुके हो जो वो कह रहा था

तुम यहाँ पे गलत तो उसको रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन आपको रिस्पेक्ट भी शो करनी मान लो कभी कभी क्या होता है जब कोई सामने वाला गलत बोल रहा होता हो तो आपको गुस्सा आती है आप कुछ भी बोल देते हो बट वो नहीं होना चाहिए इससे कम्युनिकेशन ख़राब हो जाएगा ठीक है तो ये थोड़ा ध्यान देना है एडोप्टेबिलिटी होनी चाहिए एडजस्ट योर कम्युनिकेशन स्टाइल टू द प्रेफरेंस एंड नीड ऑफ अदर पर्सन अपना जो कम्युनिकेशन स्टाइल है उसको दूसरे के नीड के हिसाब से बदल दो आपको लगता है कि आप बहुत इस तरीके से कॉम्युनिकेट करते हो आपका जो भी वर्ड है या फिर जो आपका टोन है या मान लो आपका जो प्रोनाउंसिएशन या जो स्टाइल है बातचीत करने का आपको लगता है सामने वाले के नहीं समझ में आएगा वो बहुत ही साधारण साधारण है उसको इस तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं समझ पाएगी तो अपने कम्युनिकेशन के स्टाइल को वे को उसके हिसाब से बदल दो जैसे आपको लगता है वो समझ सकता है वैसे आप उसको कम्युनिकेट करो इससे क्या होगा मैसेज को समझ पाएगा जो आप कह रहे हो तो ये कुछ था आपका कि एक कॉम्युनिकेशन इफेक्टिव कब होता है तो हमने चीजें देखी हैं कि क्या क्या चीज़ें आप ला दो अपने कम्युनिकेशन में क्लैरिटी रखो ठीक है एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए पहले सुन लो क्या कह रहे हैं फिर मैं फिर कॉम्युनिकेट करूँ एम्पेथी रखो नॉन वर्बल कॉम्युनिकेशन का सही से यूज करो फीडबैक रखो सिंपलिसिटी रिस्पेक्ट एडोप्टेबिलिटी ये सब चीजें अगर आप करते हो अपने कम्युनिकेशन में लाते हो तो आपका कॉम्युनिकेशन इफेक्टिव बन सकता है सो so गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे थैंक यू